ये एक बहुत कॉमन धारणा है और अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि अगर बहुत प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी या जो है हमारी बोन हेल्थ जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी लेकिन यहाँ यही समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है क्योंकि जब हम प्रोटीन्स लेते हैं तो हमें बस दो तीन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है एक अगर हम केवल रॉ प्रोटीन ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी पे उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है एब्जॉपशन में प्रॉब्लम होती है डाइजेशन जो है हमारा वो प्रॉब्लम करता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और हमारे जो बहुत एसिड रिलीज़ होता है प्रोटीन की वजह से उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बॉडी जो है हमारे बॉडी के जो कई सारे ऐसे कैल्शियम और इस तरह के तत्व होते हैं उनका इस्तेमाल करता है और वो हमारी हड्डियों से ही आता है इसलिए ये धारणा प्रचलित हुई कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होंगी लेकिन अगर हम वही प्रोटीन के साथ कुछ ऐसी चीज़ों को मिक्स करें जो कि हमारे बॉडी को अल्कनाइज करती है यानी कि जो एसिडिक हमारी बॉडी को नहीं रखता तो हमारे शरीर को ये कैल्शियम वेल्शियम से न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसके लिए जरूरी है कि हम प्रोटीन्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिलाएं क्योंकि ये दोनों जो हैं इनका पी जो होता है वो माइनस में होता है तो ये हमारे बॉडी को एसिडिक नहीं करते इसलिए अगर आप प्रोटीन के साथ इन चीज़ों को मिक्स करके लेते हैं तो फिर आपको उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होता बल्कि वो आपको फायदा करता है और इसीलिए ख़ास तौर से जब हम वैसे प्रोटीन ले रहे हैं तो इतनी चिंता की बात नहीं लेकिन अगर हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं एथलीट हैं या फिटनेस की वजह से तो हमें ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको प्रोटीन हम उस प्रोटीन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाए आ, मिलाएं ताकि वो हमारे लिए अच्छा रहे और हमें नुकसान